रिपब्लिक डे परेड की टिकट्स के बारे में देख रहे हो तो सही वीडियो पे क्लिक किया। पूरा एक्सपीरियंस के साथ इसमें बताऊंगा आपको टिकट कहाँ से मिलेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ये भी बताऊंगा कि किस टाइम आप बुक कर सकते हो और ताकि आपको मिलेगी मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ गाइस। मैं खुद पर्सनली मैंने बुकिंग करी थी टिकट्स की और मैं लेके भी आया था और उसके बाद मैं गया भी था, तो आप ये मेरी वीडियोस देख सकते हो और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको वहाँ पे किस तरीके से जाना है और टिकट्स कैसे मिलेगी और वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है साथ में, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है, क्या फूड अवेल वहाँ पे कुछ मिलता है खाने पीने के लिए या कुछ आपको साथ में ले जाना है, सारी चीज़ें बताऊंगा इस एक वीडियो में। आप ये शुरू से लेके एंड तक देख लेना, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसी वीडियोस में आपके लिए अपडेट लाता रहूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकट्स कहाँ से मिलती है। टिकट्स गाइस दो तरीके से आपको मिलेगी, ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सीधा आपको गूगल पे लिखना है amantran.mod.in, उसके बाद आपको ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये टिकट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस दिखेगा, आपको इसमें टिकट्स कितनी अवेलेबल है। 10 तारीख को आप देख सकते हैं बुकिंग करने, ऑनलाइन अगर आप बुक करते हैं तो 880 टिकट्स साउथ इनक्लोजर में और 685 आपको नॉर्थ इनक्लोजर में मिल जाती है, और 20 रुपीज़ में भी आपको अवेलेबल है 86 सीटें। तो आप बैक करके अब सीधा हम करते हैं बुक योर टिकट्स पे क्लिक, उसके बाद आप ये देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको रजिस्टर, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो रजिस्टर्ड योर बुक टिकट पे क्लिक करना है आपको। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं सीधा मोबाइल नंबर प्लस आपका ये कैप्चर कोड आपको फिल करना है, और ये कैप्चर कोड ध्यान रहे आपका प्लस माइनस वाला है। ठीक है, तो आपके पास अभी एक OTP आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइम अभी कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही सीट्स अवेलेबल होंगी तो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आपको रिपब्लिक डे की चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे टिकट शो हो जाएगी, अगर 100 रुपये की टिकट जितनी भी अवेलेबल होंगी और 20 रुपये की टिकट जितनी भी अवेलेबल होगी। उसके बाद हम नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं अपना नाम और आपको कौन से इनक्लोजर में चाहिए, साउथ या नॉर्थ, और सेलेक्ट टिकट। ठीक है, आपको इसमें गाइज पहले से ही अपना नाम नंबर डिटेल ऐड कर सकते हैं इसमें। प्लस अब हम क्लिक करते हैं, एक बार रोड मैप देख लेते हैं, आप इसमें पूरा मैप देख सकते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे साउथ इनक्लोजर मिलता है, नॉर्थ इनक्लोजर मिलता है, ये यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, पूरा आप डिटेल में देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इस पर हम बैक आ जाते हैं। अब आपको सिंपली इसमें अपने मेंबर्स ऐड करते जाने हैं, आप इसमें 4 मेंबर ऐड कर सकते हैं टोटली एक ID से। अगर आपको और दोबारा टिकट्स बुक करनी है तो आपको दूसरी ID नए आधार कार्ड से बनानी पड़ेगी किसी सेकंड पर्सन के नाम से। ठीक है, सो अब लास्ट में आप नीचे इस पर बुक पे क्लिक करेंगे, अभी तो टिकट अवेलेबल नहीं है इसलिए बुक नहीं हो पा रही, जैसे इसको आप नेक्स्ट करेंगे आपको पेमेंट के मेथड पे लेके जाएगा। आप ये किसी भी, आप ऑनलाइन किसी भी मोड से पेटीएम या डेबिट कार्ड के थ्रू इस पर पेटीएम कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब ऑफलाइन टिकट्स की। तो ऑफलाइन काउंटर में आपको बता देता हूँ 5 काउंटर आपको अवेलेबल है। पहला है सेना भवन गेट नंबर 2 से आप ले सकते हैं, दूसरा है शास्त्री भवन गेट नंबर 3 से, और तीसरा है जंतर मंतर नियर मेन गेट, और चौथा है प्रगति मैदान गेट नंबर 1, और पांचवा है पार्लियामेंट हाउस रिसेप्शन ऑफिस। ये बेसिकली आपको मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। और अब बात कर लेते हैं इनकी टाइमिंग की, जो बुकिंग टाइमिंग क्या होती है। टिकट मिलने की जो डेट है 8 जनवरी 2024 से आपको टिकट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और ये 19 जनवरी 2024 तक आपको टिकट्स मिलेंगी। और इनकी जो टाइमिंग है, मॉर्निंग की जो टाइमिंग है 10 बजे सुबह और 10 बजे से 1 बजे तक, और उसके बाद इवनिंग का जो टाइम है 2 बजे से 4:30 बजे तक आपको टिकट्स मिलेगी। बट ये टाइम जो गाइस आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर, अभी आप टाइम भी देख सकते हो, तो ये टाइम आपका ऑफलाइन का है। और इस टाइम अगर आप जाते हो टिकट्स आपको मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गाइस वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे कितनी भीड़ है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे जा चुका हूँ और विजिट कर चुका हूँ। तो आप अगर आप काउंटर से टिकट बाय करने हैं तो आप काफ़ी जल्दी जाएँ, सुबह 6 या 7 बजे जाएँ ताकि आपको टिकट ईजिली मिल जाए सुबह 10 बजे के बैच में। अगर आप 10-11 बजे जाते हैं तो आपको इवनिंग वाले बैच में टिकट मिलेगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ होती है और आपको टिकट्स भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन बातों रखें और आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बाकी अब बात करते हैं आगे। तो गाइज अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो किन किन तरीके से आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना एक पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा पूरी मिलेगी। प्लस आपको यहाँ पे अगर आना है मेट्रो से अगर आना है आपको, तो नियरेस्ट इसका जो मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटरी है, आप वहाँ से आ सकते हो। दूसरा इसका जो मेट्रो से आने का तरीका है, तो गाइज अगर आप आते हो कहीं से भी, अगर आप अपनी उनको टिकट्स दिखाते हो तो आपको ये पास देते हैं इस तरीके का, आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर आपको पास दिख रहा होगा इस तरीके का, ये आपको पास देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी एंट्री फ्री होती है।
उसके बाद जो सेकेंडरी है ऑप्शन है अपना पर्सनल व्हीकल, अपना पर्सनल व्हीकल से आप आ सकते हैं और यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल रहती है आपको सीट्स पे। और जिस टाइम आप ऑनलाइन अगर टिकट बाय करते हैं तो आपको पार्किंग के लिए यस करना पड़ता है, जिससे आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाती है इजीली, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर काम चल रहा है। अब बात कर लेते हैं गाइज वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ अंदर अपने साथ ले जा सकते हो और क्या क्या नहीं ले जा सकते हो। तो सबसे पहले आप वहाँ पर आपको लेके जाना है सिर्फ मोबाइल और कैश और अपना जो भी कार्ड्स वगैरह है वो, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं वहाँ पे एंट्री होगी। बाकी आपको नॉट अलाउड में मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउड हैं। स्मार्ट वॉच, एयरबड्स, एयरफोन, कॉइन जो आप हाथ में कड़े पहनते हो, बैंगल्स, इस तरीके की चीज़ें वो अलाउ नहीं करते हैं गाइज। तो आप इन सब चीज़ों को घर पर ही रख के जाएँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और वहाँ पर अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो आपकी वहाँ पे चाबी भी जमा कर ली जाती है, जिससे कि आपकी चाबी जमा कर लेने के बाद जब जैसी परेड खत्म होती है उस टाइम जब सारी भीड़ एक साथ निकलती है तो आपको चाबी लेने के लिए भी काफ़ी लाइन में लगना पड़ता है। तो इस बात का और ख्याल रखें कि अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। प्लस आपको अगर पर्सनल व्हीकल अवॉइड नहीं करना चाहते हैं तो आप परेड खत्म होने से कुछ टाइम पहले ही आप निकलना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पे एकदम से भीड़ हो जाती है और उसके बाद आपको पर्सनल व्हीकल की चाबी के लिए बहुत टाइम से लाइन में लगना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं गाइज आपको किस टाइम परेड में आना है। आप सुबह अगर 6 या 7 बजे अगर आते हैं यहाँ इंडिया गेट पे तो आपको गाइज आगे वाली सीट मिल जाती है और इन सीटों पे कोई रिजर्व नहीं लिखा होता और ना किसी की किस तरीके का नंबर लिखा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था गाइस 500 रुपये की टिकट्स जो अवेलेबल थी मिलती थी उस पर आपको सीट का नंबर दिया जाता था, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है। 500 रुपये की टिकट गवर्नमेंट ने हटा दी है, अब सीधा सिर्फ 100 रुपये और 20 रुपये की टिकट्स हैं जो कि आप बाय कर सकते हो। 100 रुपये की जो टिकट्स आप बाय करेंगे उसमें आपको ऐसे इस तरीके के इनक्लोजर मिलेंगे, आप इसी में बैठ सकते हो कहीं भी आके। अगर आप पहले आओ पहले पाओ ऐसे वाला सीन है, आप पहले आके आगे बैठ सकते हो जैसे जैसे आपको खाली मिलेगी, और जितना आप लेट आएंगे उतना आपको पीछे बैठना पड़ेगा। तो गाइज आप वहाँ पे एंट्री कर लीजिएगा 9 बजे के आसपास, आप 9 बजे तक आ सकते हैं, आपकी एंट्री अलाउ है। और गाइज अब बात कर लेते हैं 5 साल से जो नीचे के जो बच्चे होते हैं उनकी टिकट्स नहीं लगती, अगर आप 5 साल से ऊपर का कोई है बच्चा तो उनकी पूरी टिकट लगेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने साथ कोई बच्चा लेके जा रहे हैं तो उसकी 5 साल से ऊपर का है तो उसकी टिकट जरूर करवाएं। आई होप गाइज आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए जो आपके साथ परेड देखने जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके साथ 100% शेयर करूंगा। जब तक के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम पे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर दो जरूर। थैंक यू।